गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, मैं हूं केशव मीणा और स्वागत है आप सभी का एसएससीएनआईएस क्लास में। इस लेक्चर से हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में। और अब तक हम देख चुके हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, उसके अलावा हमने ये देखा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कब कब फॉर्मेशन हुआ है, उनकी डेट देखी है, उसके अलावा ये देखा उनके कौन से पेरेंट डिस्ट्रिक्ट थे। इसके बाद में हमने उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कौन से डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट लाइज करते हैं, और हमने ये भी देखा था कि हमारी जो कर्क रेखा है वो किसके डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अन्य तथ्यों के बारे में। ये लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। सबको लग रहा हो बहुत ईजी पढ़ा रहे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना और इसके सारे नोट्स के साथ साथ बनाकर चलना, ठीक है? तो हम आज इसमें बात करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश का जो एक्सटेंट है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब होता है कि इसका अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब होता है कि इसका देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है? तो हमने ग्लोब्स में देखी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश कहां से कहां तक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश का जो हम बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब अक्षांश विस्तार का, तो वो है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कहां से कहां तक? 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक। याद रखिएगा क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन बना है कहां से कहां तक, ये बहुत से एग्जाम से बना है, जातम की और एमपीपीएससी प्री में भी बना है, ठीक है? तो जरूर याद रखना कहां से कहां तक, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और याद रखना कहां से नॉर्थ की ये चेंज कर देते करके साउथ दे देते हैं, ठीक है? तो यहां भी नॉर्थ है और यहां भी नॉर्थ है, 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। और दोनों नॉर्थ से क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में लाइन करता है, ठीक है? इसलिए ये दोनों नॉर्थ है, अगर साउथ में था दोनों साउथ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे नॉर्थ में लाइन करते हैं, दोनों नॉर्थ है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब देशांतरीय विस्तार की, कहां से कहां तक है? तो ये है 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से लेके 74 डिग्री 9 मिनट पूर्व से लेके 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक, ठीक है? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्व तक। और ये जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कहां पे? अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पे लाई करता है? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसे हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पे लाई करता है? बुरहानपुर में लाई करता है। और जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पे लाई करता है? वो करता है मुरैना में। हम सभी को मालूम हमारी कैपिटल क्या है? भोपाल, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद हम ये देखते हैं, ये हमने देख लिया कि एक्सटेंट कहां से कहां तक। अब इसके बारे में बात करेंगे कि दूरी कितनी है। तो ये दूरी कितनी है, अगर हम नॉर्थ मोस्ट पॉइंट से सदर्न मोस्ट पॉइंट तक देखें तो हमारी जो दूरी कितनी है, वो दूरी है 605 किलोमीटर। कितनी है? 605 किलोमीटर। और अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है? 870 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा गया है, इसलिए जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें ऐसा ध्यान तो रहता है लेकिन हमें डिजिट्स का हेर फेर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा 870 कर देते हैं, 605 कर देते हैं, कभी 807650 कर देते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज होते आए हैं। तो हमें ये पक्का याद रखना कहां से कहां तक, 605। देखो 605 इधर 8 और 7, 8 में से एक कम किया 7, 6 में से एक कम किया 5, लेकिन 0 की पोजीशन आ रहा है इसमें, 605 है इसमें, 870 किलोमीटर। तो ये फैक्ट भी याद रखना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा मध्य प्रदेश का जो एरिया है, हमारे मध्य प्रदेश का एरिया क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का एरिया है 30,82,52, ठीक है? इसका मतलब क्या? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रख देंगे सीधे 30,82,52, इसको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करें? तो 82 में से 52 बटाएंगे क्या आएगा? 30 आएगा। इस तरह से याद कर सकते हैं, इसलिए नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा। 30,82,52 कैसे होगा? 82,52 गए तो क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक है? इसे याद कर 30,82,52 किलोमीटर स्क्वायर सीधे याद करना, 3-4 बार बोलोगे अपने आप बता जाएगा। इसके बाद क्या है? पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन क्या है? 7,26,26,800, ठीक है? इसको ऐसे याद करना, कैसे करना? हिंदी में याद करना, 7,26,26,800, ठीक है? ये किसके हिसाब से है? ये है सेंसस 2011 के हिसाब से। किसके हिसाब से? सेंसस 2011 के हिसाब से, कि पॉपुलेशन डेली चेंज होती है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया किसके हिसाब से पूछा गया है? सेंसस 2011 के हिसाब से, ठीक है? तो ये याद रखना कितने, 7,26,26,800। और इसके हिसाब से सेंसस 2011 के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश की रेंज क्या है पूरे
इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश की रैंक है 6th रैंक। ये किसके हिसाब से है? सेंसस 2011 के हिसाब से। एक्चुअली अभी फिलहाल की स्थिति में क्या है, फिलहाल की स्थिति हमारे रैंक 5th है। क्यों है? क्योंकि हमसे ऊपर 5th नंबर पे आता था कौन सा? आंध्र प्रदेश के दो भाग हो गए, एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश। तो इसके बाद क्या हुआ, वो नीचे चला गया, हमारी मध्य प्रदेश की रैंक क्या होगी, प्रमोट होगी, 5th में पहुंचेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन सीधा सीधा आता है इस हिसाब से, सेंसस 2011 के हिसाब से, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सा है, 6th रैंक है हमारी, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि हमारे एरिया वाइज, एरिया वाइज कौन सा नंबर है हमारा, एरिया वाइज हमारा नंबर कौन सा है, हमारा नंबर है 2nd। फर्स्ट किसका है? फर्स्ट राजस्थान का। और जब एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश है वो पूरे इंडिया के एरिया का 9.38% कंसिस्ट करता है, ठीक है। 9.38% जो एरिया है वो हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा रैंक की बात करें, फर्स्ट पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और हमारा कौन सा स्थान है, 6th स्थान है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में। हमारे जो मध्य प्रदेश का नाम है, मध्य प्रदेश किसने दिया है, इसे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश का नाम दिया है। मध्य प्रदेश क्यों दिया, कि इसकी पोजीशन थी सेंटर में, इसलिए इसका नाम क्या दिया, मध्य प्रदेश। इसके अलावा स्टेट भी हम सबको मालूम, पिछले दो लेक्चर बहुत बार इसकी बात की, 1st नवंबर को क्यों हुई, 1st नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एस्टैब्लिश हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसका, और फिर से बाइफर्केशन 2002 हुआ था 1st नवंबर 2000 को। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा किस किस का स्थापना दिवस 1 नवंबर को, हरियाणा का है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए, ठीक। कौन किस किस का है, हरियाणा का है, आंध्र प्रदेश का है, पंजाब का है, केरला का है, और कर्नाटक का है। उसमें आप छत्तीसगढ़ की एड कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी मालूम है कब अलग हुआ है, अभी अलग हुआ है, कब हुआ है, 1st नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ की एक हिस्सा। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के दूसरे नाम है कौन कौन से हैं, एक है टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट तो है मध्य प्रदेश में 22 संख्या सबसे ज्यादा है। ये पिछले साल ही इसकी जो गणना हुई थी इसमें मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी थी, 1st रैंक थी। मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए गए थे। इसके बाद सेकेंड रैंक कर्नाटका था, वहाँ 524 बाघ पाए गए। इसके थर्ड रैंक में उत्तराखंड था, मुझे एक्जेक्टली से नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का अगला नाम क्या है, हर्ट स्टेट कहा जाता है, क्या, हृदय प्रदेश। हिंदी में इंपॉर्टेंट है हृदय प्रदेश, करके इंग्लिश में उसको हृदय प्रदेश दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोया स्टेट, हमें मालूम सोया स्टेट को, सोयाबीन की बहुत ज्यादा पैदावार होती है हमारे, सबसे ज्यादा शायद पूरे इंडिया का 50% से ऊपर सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद में रिवर स्टेट, रिवर स्टेट तो फिर इंग्लिश में है, इसका जो इंपॉर्टेंट हिंदी में नाम क्या है, नदियों का मायका। नदियों का मायका क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। कहीं बहुत सारी नदियां विंध्य से निकली, बहुत सारी नदियां सतपुड़ा से निकली है। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट मतलब मध्य प्रदेश का वही इंग्लिश में करता है, सेंट्रल स्टेट है, ठीक है। तो ये इसके अदर्स नेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सब देख लिया, क्या क्या देख लिया इसका, हमने देखा लेटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब अक्षांशीय विस्तार, और देखा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा हमने क्या देखा, कितनी दूरी, कितनी कितना उसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। फिर हमने ये देखा एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सब बहुत ईजी ईजी सट्टे, बहुत से सबको लग रहा है क्या बहुत ईजी से पढ़ा रहा है, लेकिन एक्चुअली दिक्कत ये है कि हम एग्जाम में ईजी क्वेश्चन आते हैं और एट द टाइम हमें याद नहीं आते, गलत करके आ जाते हैं, फिर हम कॉम्पिटिशन में भाग जाते हैं। सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है, ईजी पे करना है, तब तो उसके बाद हम करेंगे, लेकिन ईजी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हमने देखा नाम कितने जवाहरलाल नेहरू जी ने, स्टेट डे क्या है, 1st नवंबर, ठीक है। और किस किस का था स्टेट डे 1st नवंबर, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तो और क्या नाम है, टाइगर स्टेट है, हर्ट स्टेट है, सोया स्टेट है, रिवर स्टेट है, सेंट्रल स्टेट है, ठीक है। इतना हो गया, अब आप आगे देखें। तो अभी तक हमने ये देखा कि लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये देख लिया, अब ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के स्टेट सिंबल्स क्या है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के स्टेट सिंबल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम से शायद ही होगा जिसमें ये चीज नहीं आती है, या तो वर्ड पूछ लिया जाता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में तो वर्ड ही पूछा जाता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है कि इजी है पर छोड़ना नहीं है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करना है, कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, कि एक ही डिश के दो तीन तीन नाम है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो हम जैसे देखते हैं इसमें, तो स्टेट फ्लावर सबसे देखते हैं, स्टेट फ्लावर क्या है, व्हाइट लिली, क्या है, व्हाइट लिली, और इसी का दूसरा नाम क्या है, कुमुदनी, ठीक है। क्या क्या है, व्हाइट लिली या कुमुदनी, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहता है लगाना है, ठीक है। और प्रीफर हमेशा व्हाइट लिली करना है, व्हाइट लिली आएगा तो ये नहीं आएगा, और व्हाइट लिली प्रिफरेबल है, ठीक है। इसके बाद में हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल कौन सा है, तो हिंदी में बोलते हैं उसको भारत सिंह, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वाम डियर। और ये भी स्पेशलिटी किया है ये ग्रेटरी स्पेसिस का स्वाम डियर, ठीक है। और हमारा जो कान्हा किसरी नेशनल पार्क, इसका इसका जो उसका प्रतीक है वो क्या है,
स्वाम डियर क्या नाम है उसका, उसको बोलते हैं भूर सिंह द बाला सुनता है, ठीक है, तो वो उसकी तरह लिंक कर लेना, वो जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी। इसके बाद बर्ड की बात करते हैं, ये हमने की बर्ड की, तो बर्ड के बहुत सारे नाम है, सारे नाम याद रखने, क्या क्या है, पैराडाइज फ्लाईकैचर सबसे पहला नाम, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट है ही, फिर में इसका नाम हो सकता है हुसैनी बुलबुल, शाह बुलबुल, दूधराज, सब है, बस नाम इनके अलग 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 एग्जाम में अलग अलग नाम से भी आ जाए, ठीक है, तो इसमें से कोई एक नाम होगा उसमें ऑप्शन में तो देखना है, यानी कि हमने पैराडाइज फ्लाईकैचर याद किया और एग्जाम में आ गया हुसैनी बुलबुल, तो हमने पता नहीं क्या है, ठीक है, तो ये क्या है जो है सारे चार नाम याद रख लेना। और ये कब बनाया गया, 1981 में, ये एनिमल कब बनाया गया, 1981 में, ठीक है, और ट्री कब बनाया गया, 1981 में, ट्री क्या है, बनियान, मतलब बरगद का पेड़ या बट वृक्ष, ठीक है, तो ये क्या है, बनियान की। और ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे इंडिया का भी क्या है, बनियान की है, ठीक है, राष्ट्रीय हमारा पेड़ है। इसके बाद हम फिश की बात करते हैं, मछली की, मछली कौन सी है, महाशीर, या इसका एक और नाम क्या है, तोरा तोरा, तोरा 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 जो भी है, ठीक है, और ये कब से है, 2011 से, इसका ये तो इंपॉर्टेंट है कि 2011 एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया कब है, ये सारे इंपॉर्टेंट कब बना, 1981 में हमने खूब याद कर लिया कि है कौन सा, लेकिन ये याद आ गया एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं जो है उसको ठीक से याद करना है, ठीक है। इसका डांस कौन सा है, तो डांस है हमारा राई, कौन सा है, राई, और राई कहाँ का है, राई ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, राई, हम इसके बाद हम जब फोक डांस पढ़ेंगे, फोक सॉन्ग पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है राई, और डांस है राई, और ड्रामा अगर आया तो वो क्या है, ड्रामा है मार्च, और ये है मालवा का, याद कर रखेंगे, ड्रामा आखिर में क्या आया, माँ, माँ से मार्च, और माँ से मालवा, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखना जरूरी है कि डांस बहुत बार एक बार डांस में एक ऑप्शन रहता है मार्च, तो हम डांस से मार्च लगा दें, हमको लगता है कर क्या, लेकिन हो गया, बोल रहे थे डांस क्या है, राई, और ड्रामा क्या है, ड्रामा मतलब नाट्य होता है, ठीक है, और ये नृत्य होता है, इन दोनों डिफरेंस, इसके बाद में जो बात करते हैं, ये अच्छे से याद रखना इन दोनों को, फिर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कौन सा है, स्पोर्ट्स है मलखम, मलखम, और मलखम कब से है, 2013 से, तारीख याद रखते हैं 10 अप्रैल 2013, ठीक है, 10 अप्रैल 2013 से हमारे स्टेट स्पोर्ट्स क्या है, मलखम, इसका प्रूफ की बात करें तो सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं सोंग की, हमारा जो स्टेट सोंग है वो क्या है, मेरा मध्य प्रदेश, पता होगा ये, मेरा मध्य प्रदेश किसने लिखा है, लिखा है इसके राइटर है महेश श्रीवास्तव जी, कौन है राइटर इसके, महेश श्रीवास्तव जी, सिंगर कौन है, सिंगर इसके शाम, ये एग्जाम में पूछा गया शाम का नाम, इसलिए याद रखना, राइटर सबको पता है, सिंगर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है, जो ऑफिशियली सबसे शुरुआत में गाया गया था शाम में गाया था। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है, और इसके अलावा अदर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें उर्दू भी शामिल की जाती है, और रीजनल लैंग्वेजेस अपनी अपनी जो होती है, बुंदेली होती है, मालवी होती है, ठीक है, बोलियां होती है एक्चुअली। फिर सिंबल की बात करें, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल ऐसा नहीं आएगा एक्चुअली क्या है बनाने का, बाकी ये पूछा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, तो इसमें अभी सिंबल में जैसे अब ये जो सबसे आउटर सर्कल होता है, और ये आउटर सर्कल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, यहाँ मैंने ब्लू से बनाया कि ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये किस कलर से होता है, ग्रीन कलर से। और ये जो स्तूपाज है, ड्रॉइंग में मत जाना एग्जैक्टली वैसा नहीं बन सकता, ये है 24 स्तूपाज, जो इसकी पेडिग्री बने हुए कितने, 24 स्तूपाज, ये पूछा कितने कितने स्तूप है, 24 स्तूपाज, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब ठीक है, इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल के बीच में क्या लिखा है, ऊपर साइड लिखा है मध्य प्रदेश शासन, ये लिखा है मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, और नीचे लिखा है यहाँ पे सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से, याद रखना, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में क्या मिलता है, यम और नचिकेता के बीच का संवाद मिलता है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इनको याद रखना है, ठीक है, कहां से लिया गया, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद का में क्या क्या मिलता है, यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया यम और नचिकेता संवाद कहां मिलता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दो फसलों के चिन्ह हैं, इसमें एक है धान और एक है बीट, पेडी एंड बीट, धान और गेहूं, ठीक है। इसके बाद में बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लायन कैपिटल है, क्या है ये, लायन कैपिटल, ये लायन कैपिटल कहां से लिया गया है, ये अशोक का स्तंभ है सारनाथ है, वहां से लिया गया है। इसके बाद में एक ये लायन कैपिटल है, इसके ऊपर ये बनना है, जब ये बरगद का पेड़ बना हुआ है,
ठीक है, बरगद का पेड़ बना हुआ है ऐसा, और ये ठीक से देख लेना आप, यूट्यूब पर रोज आता है स्टेट सिंबल, हमारा एमपी के सिटीजन होने के लिए हमारा बनता है, पता होना चाहिए क्या है स्टेट सिंबल। ठीक है, तो हमने बात की स्टेट सिंबल के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, प्रशासनिक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं ये करेक्शन करना चाहूंगा कि अभी जो मैंने बताया था स्टेट सिंबल के साथ में सत्य जयते कहां से दिया गया, मुंडा कमीशन से, वो बिल्कुल सही है कि दिया गया मुंडा कमीशन से, लेकिन जो मैंने एक और बार बताई थी कि यम और नचिकेता के बीच का संवाद जो है वो मुंडकोपनिषद में नहीं है, ठीक है, वो किसमें, वो कठोपनिषद है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना कि क्वेश्चन आता है गलत नहीं होना चाहिए। तो किसमें है वो, यम और नचिकेता का संवाद, हिस्ट्री का हिस्सा हम पढ़ेंगे उसे, ये किसमें है, ये कठोपनिषद, ठीक है, ये मुंडकोपनिषद में नहीं, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया, सत्य में जयते लिया गया, ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स आते हैं साथ में याद रखने, ठीक है। इसके बाद में इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, प्रशासनिक तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें से कुछ डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन 10 से हमने बात की थी, कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं तो हम देख सकते हैं, एक बार चार जबलपुर है, इंदौर है, सागर है, रुके पहले चार बड़े बड़ी की सिटीज कौन कौन सी उसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, ये चार बड़ी सिटी होगी। इसके बाद में एक सागर याद कर लो, एक उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, ठीक है, एक शहडोल सबसे नया बना है, एक चंबल है, एक नर्मदापुरम है, और एक और कौन सा बच रहा है, इसके बाद में एक है हमारा रीवा, जिसमें रीवा सीधे सिंगरौली आता है, रीवा सीधे सिंगरौली के सतना आता है, ठीक है, 10 हो गए पूरे। इसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 52 है, 10 डिवीजन से बटे हुए हैं। तहसील की बात करते हैं कितनी है, 364 तहसील से, ठीक है, और ब्लॉक्स विकासखंड कितने हैं, 313, और ट्राइबल ब्लॉक्स कितने हैं, 89। और ये सब डाटा क्या है, ये सब डाटा बहुत डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है, तो 21/12/2020, ठीक है, तो आज की डेट में डाटा सही है, इसके बाद अगर ये डायनेमिकली चेंज होता है तो इसको थोड़ा अपडेट करते रहेगा, बाकी अभी सही है, ठीक है। टाउन कितने, 476 के हिसाब से है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। फिर कंटोनमेंट वार्ड कितनी है टोटल, 5 कंटोनमेंट वार्ड है, ये भी सीधा डाटा याद रखना है। और जैसे हम देखिए कंटोनमेंट वार्ड क्या होती है, हम क्या पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे 74 कॉन्स्टिट्यूशन में, जब तेरे पंचायती राज का सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इस सबको अच्छे डेटे में देखेंगे। अभी सिर्फ ये टेक्सचुअल डाटा है। नगर निगम कितनी है, 16 बड़े बड़े शहरों में सब में नगर निगम है, ठीक है। इसके बाद में नगर पालिका कितनी है, 98 नगर पालिकाज है। इसके बाद नगर पंचायत कितनी है, जो थोड़े से कस्बे लेवल के होते हैं वहाँ पर नगर पंचायत कितनी है, ये होती है 264, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कितनी टोटल मध्य प्रदेश में, 2306 कितनी है, 2306, ठीक है। जनपद पंचायत कितनी है, जनपद पंचायत है 313, हमारे यहाँ पे कौन से स्तर के, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम, इसमें क्या सबसे पहले सबसे छोटे स्तर ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। जिला पंचायत कितनी है, 52 है, हर डिस्ट्रिक्ट में जिला पंचायत है 52 हो गई। और ये याद रखना जनपद पंचायत 313 है, हमारा विकासखंड कितने हैं, 313 है, दोनों डाटा को लिंकअप करके याद रख सकते हैं, ठीक है, जितने विकासखंड है उतने जनपद पंचायत है। इसके अलावा पुलिस जॉब की बात करें तो आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हिसाब से कितनी है, 11 है। डीआई डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के हिसाब से कितने हैं, 15, ठीक है। फिर पुलिस डिस्ट्रिक्ट अपने बताया, डिस्ट्रिक्ट 52 है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 52 होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस चेक पोस्ट कितनी है, 562 पुलिस चेक पोस्ट, इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं गया है, फिर भी देख लें। पुलिस स्टेशन कितना है, 1035 सेक्शन है। अब हाईकोर्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईकोर्ट सबको पता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर में, ठीक है, ये क्वेश्चन जबलपुर का हमें पता है। जब उसकी बेंचेस की बात की जाती है, बेंचेस कहाँ पे है, ये सीधे से क्वेश्चन आया है, बेंचेस कहाँ कहाँ पे, तो इंदौर में है और ग्वालियर में, ठीक है, हाईकोर्ट की बेंचेस कहाँ कहाँ पे, इंदौर में है और ग्वालियर में, ठीक है, लेकिन इसकी बेंच भोपाल में नहीं, भोपाल में जहाँ पे ऑप्शन दिखे तो हमें लगता है भोपाल कैपिटल है, वहां बेंचेस होनी चाहिए, पर नहीं, भोपाल में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ही है और जो एशिया का सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है, तो भोपाल में नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना है डाटा को, कहाँ कहाँ पे, इंदौर में है, ग्वालियर में और जबलपुर में, तो यही से हाईकोर्ट ही जबलपुर में, इसीलिए जबलपुर क्या बोला, जुडिशियल कैपिटल बोला जाता है अपने हिंदी की, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स, तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स देख लिया है। इसी में हम ये भी देख सकते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें, ठीक है, उसमें रिजर्वेशन कितना कितना ये भी देखना पड़ेगा आपको, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, किसकी, विधानसभा की, ठीक है,
विधानसभा में टोटल कितनी सीट है, हमारे टोटल सीट से 230+1 डायरेक्टली 231 लिख सकता था, 230+1 क्यों लिखा, क्योंकि एक सीट जो है वो हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडियन मेंबर के लिए क्या होती है, ये वहां पे सीधे नॉमिनेशन होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 230+1, इसमें 230 क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं और एक क्या होता है इनका नामांकन होता है, ठीक है, मनोनीत होता है। इसके बाद में और ये कौन करते हैं, हमारे राज्यपाल जी करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि 230 सीट से है, इसमें रिजर्वेशन कितना है, रिजर्वेशन है कितना 82 सीट पे, कितने सीट पे 82 सीट पे रिजर्वेशन है, और इस रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, आरक्षण में क्या देखेंगे हम, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए 35 सीट आरक्षण, और जो शेड्यूल ट्राइब्स है मतलब अनुसूचित जनजाति इनके लिए है 47 सीट आरक्षण, ठीक है, कितनी सीट आरक्षित है इसके लिए 47, इनके लिए 35 सीट है। और एक और अगर हम याद करना चाहें तो हमारे सेंट्रल लेवल पे जो लोकसभा है उसमें भी एसटी के लिए टोटल कितनी सीट आरक्षित है, 47 सीट आरक्षित है, तो इससे हम दो फैक्ट याद रखते हैं, 47 सीट आरक्षित किसके लिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी एसटी के लिए कितनी है 47 है, और लोकसभा में कितनी है एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है, ठीक है, तो ये हम याद रखते हैं। इसके बाद में हम जब अगर ये बात कर रहे हैं और अगर हम इसमें बात करें कि रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कितना है, तो महिलाओं के लिए विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट में हमारे एमपी में दे रखा 50% आरक्षण, लेकिन विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं है, मुद्दा भी इसे बाद में चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट सिनेरियो के, मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, अभी क्या है हमारे विधानसभा। अब ये भी डायनेमिक बात क्यों है, क्योंकि हमारे मध्यप्रदेश राजनीति बहुत डायनेमिक चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी फिलहाल जो स्थिति है उपचुनाव के बाद में दिसंबर 2020 में, इसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है हमारे शासित पक्ष में 130 जो हमारे विधायक है, इसमें 126 बीजेपी के पास है, लेकिन उनका सहायक दल है उसके पास, INDU उसके पास 4 सीट, ठीक है। इसके बाद अपोजिशन भी हुआ, विपक्ष हमारा विपक्ष है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बाद कितनी सीट से 96 सीट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, इसके बाद 2 सीटें और समाजवादी पार्टी कितनी है 1 सीट है, ये डायनेमिक डाटा है, लेकिन अभी रहेगा, ठीक है। और एक अभी खाली सीट है, एक विधायक का देहांत हो गया तो शायद उन्होंने पार्टी उतर बदल हो गया था, तो खाली है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा में जो मध्य टोटल सीट है तो लोकसभा ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो कितने 29 सीट है, ठीक है, 29 लोकसभा सीट है। अब इसमें रिजर्वेशन कितना है, इसमें रिजर्वेशन है 10 सीट, अब 10 सीट में जो एससी है उसके लिए कितनी है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट है, ठीक है। ये हो गई हमारी लोकसभा, लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, याद रखना, सिर्फ पंचायत इंस्टीट्यूट में है महिलाओं के लिए आरक्षण। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 11 सीट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसके लिए, बाकी सबके लिए क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए 11 सीट्स में कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। ये हमारी हो गई लोकसभा की बात, लोकसभा राज्यसभा की बात, विधानसभा की बात, ठीक है। ये करंट सिनेरियो है, इसमें आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक चीज है कि अब ये कैसे याद रखें, चलो ठीक है 4 से का रेशियो याद रखा, लेकिन याद रखना एसटी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, तो ये याद रखना कि ज्यादा किसके लिए है, एसटी के लिए ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें जब ज्यादा एसटी के लिए, इसमें ज्यादा एसटी के लिए क्यों है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में एसटी का परसेंटेज ज्यादा है, एसटी का कम है इसलिए, और जो आरक्षण ज्यादा वो किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, इसलिए ज्यादा सीट के लिए आरक्षित है एसटी के लिए, इधर भी और इधर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रथम कौन है, फर्स्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है, पहले गवर्नर कौन है, पहले मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो ये सब भी एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए, मेरे सर पीईबी का कोई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, एमपीपीएससी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है, ऐसा लगता है 4 बार रिवाइज करना, मतलब ये तो ऐसा है कि किसी भी एग्जाम में आ गया है, ठीक है। तो हम इसको रिवाइज कर लेते, पहले गवर्नर सबको पता है कौन है, फर्स्ट गवर्नर है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, कौन है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहले सीएम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पीईबी कोई भी एग्जाम में मुख्यमंत्री सारे याद होने चाहिए, गवर्नर की पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा एग्जाम आते हैं, पीएससी में भी हमेशा आता है कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी जाओ तो ये सारे फैक्ट्स जब 2-3 क्लास हुई है, ये तो रिवाइज करना ही, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना सभी।
इसका मैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी जो विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कुंजीलाल दुबे जी थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार पूछा गया है। इसके बाद कौन थे हमारे डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पहले, मतलब उपाध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, तो विष्णु विनायक सरवटे जी थे। अब विष्णु विनायक सरवटे जी याद रहते हैं, और फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष के पहले नाम कौन थे, विश्वनाथ तमस्कर। अब ये दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं, विष्णु विनायक सरवटे जी, विश्वनाथ तमस्कर जी, ठीक, कौन सा क्या रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, दोनों ऑप्शन आते दोनों समझ नहीं आता, तो इसके लिए याद रखने का तरीका है। इसमें क्या है, तो अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। इसमें क्या है, विश्वनाथ तमस्कर, अब इसमें शब्द आ रहा है तम, तम मतलब होता है अंधेरा, तो जो सरकार रहता है उसके तो बहुत मजे रहते हैं, लेकिन जो विपक्ष में रहता है उसको क्या रहता है, उसकी जिंदगी अंधेरे में रहती है। तो विपक्ष के नेता कौन थे जिनकी जिंदगी में अंधेरा रहा, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, ठीक है। विश्वनाथ तमस्कर, तमस्कर जिसमें आया उसके चल रहे आएंगे फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, विपक्ष के नेता थे तमस्कर जी। और बाकी जो हमारे सरवटे जी थे कौन थे, ये हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। ये दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं और ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए इसको स्पेशली इसको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, एनवी लोहानी जी, ठीक है। अब ये याद तरीका क्या है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भैया चुनाव के लिए क्या करना पड़ता है, आदमी को लोहा लेना पड़ता है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, इसके प्रथम आयुक्त कौन थे, एनवी लोहानी साहब थे, कौन थे, एनवी लोहानी साहब, ठीक है। इसके बाद पहले लोकायुक्त कौन थे, फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, पीवी दीक्षित जी थे, और ये हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकारी गवर्नर भी रहे थे, ठीक है। ये पहले जस्टिस थे, जस्टिस पीवी दीक्षित जी हैं, इनके नाम जस्टिस लगा लेना, तो ये हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस टाइम पे गवर्नर भी ये रहे थे कार्यकारी, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट स्टेट, ये पहले से आया हुआ है ना एग्जाम में, फर्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, टीएन श्रीवास्तव जी थे, ठीक है। टीएन श्रीवास्तव जी थे क्या थे, पहले राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है। फिर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, ठीक है। तो पहले ये क्या थे, ये हमारे राज्य उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। फिर फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुख्य सचिव कौन है, एचएस कामत जी। अभी एक एग्जाम हुआ था, बिजली प्रश्न सीधा क्वेश्चन आया था जापान की में, कि हमारे मुख्य सचिव कौन है, तो इसे सीधे क्वेश्चन आते हैं, लगता है डॉक्टर क्वेश्चन, तो उसमें एक बार सिंह देव जी याद है तो ठीक है, तो बड़ा। इसके बाद में एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, एडवोकेट जनरल का क्या होता है, राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता कौन थे पहले, एम धर्माधिकारी, देखो इस पर याद रखने का तरीका, अधिवक्ता जी क्या करेंगे, न्याय की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो हम ये कौन है, धर्माधिकारी, ऐसे याद कर लिया। इसको क्या है, रिवाइज करनी पड़ती है, इसको वरना भूल जाते हैं। इसके बाद क्या है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस, जो कि कांग्रेस से नहीं थे, पहले तो कांग्रेस वाले थे, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री कौन थे हमारे, कैलाश जोशी, ठीक है। इनका हाल ही देहावसान हुआ था 5-6 महीने पहले, शायद टावर पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश जोशी की। इसके बाद में बात करते हैं डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे जो कांग्रेस से नहीं थे, कौन थे, वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी, ये बाद में मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद कैलाश जोशी जी का शायद यही बने थे। इसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, कौन थे, शीतला सहाय जी, ठीक है। इसके बाद में स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बना था पहली बार, पहली बार 1972 में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं राज्य योजना मंडल, स्टेट प्लानिंग बोर्ड। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, इसका बाय डिफॉल्ट चेयरमैन कौन हुआ करते थे, इसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे, हमारे मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी जी, इसलिए इसके पहले चेयरमैन कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी जी, ठीक है। इसका डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं, इसके डिप्टी चेयरमैन कौन थे, डिप्टी चेयरमैन थे डॉक्टर दयाशंकर नागी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1972 का, 1972 में और क्या हुआ था इंपॉर्टेंट, हमारा भोपाल एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना था, इसके अलावा राजनीतिक अलग डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। फिर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पीएससी, हमारा जो लोक सेवा आयोग से पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे डीवी रेड्डी जी, ठीक है। इनका भी आप याद रखिए, ये हमने देख लिया फर्स्ट फर्स्ट कौन है, हम देखेंगे फर्स्ट वुमेन्स कौन रही इसके सेक्रेटरी, ठीक है। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश की महिलाओं के बारे में, ठीक है, महिला पदाधिकारी कौन रही पहले, ठीक है। तो हमारी पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट वुमन गवर्नर कौन रही थी, सरला ग्रेवाल जी थी, सरला ग्रेवाल जी, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी आनंदीबेन पटेल जी हमारी भी महिलाएं, इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री कौन रही है पहली, उमा भारती जी, ये बनी थी 2003-04 के लगभग में बनी थी।
बहुत कम समय के लिए रही थी, साल भर के लिए, लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री वह भारती जी और एकमात्र भी है अभी तक। इसके बाद में पहली महिला न्यायाधीश फर्स्ट वुमन जस्टिस कौन थी? श्रीमती सरोजिनी सक्सेना जी थी, ये भी याद रखिएगा। फिर चीफ सेक्रेटरी, हमारी चीफ सेक्रेटरी में महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला दुच जी थी। निर्मला दुच जी के नाम से एक और जुड़ा है, इसको एक साथ कर लेते हैं। यही हमारी महिला पहली महिला आईएएस थी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पहली महिला आईएएस थी, इसलिए बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बन पाई, ठीक है। तो पहली चीफ सेक्रेटरी बन गई थी निर्मला दुच, इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जमुना देवी थी, पहली महिला विपक्ष की नेता, ठीक है। फिर पहली महिला आईपीएस, आईपीएस कौन थी? कुमारी आशा गोपाल, ठीक है। तो ये सारी महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट थे, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको इनके बारे में पता रखना है, ठीक है। तो ये हम अभी देख रहे हैं, सब टॉपिक्स लग रहे हैं इजी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, और नोट्स ऐसे बनाना है जैसे ये बनाए जाते हैं शॉर्ट में, ताकि हम उसको एग्जाम के लिस्ट पे देगी रिवाइज करने के लिए अच्छे रहे, ठीक है। डिटेल में सारी बुक्स में लिखा है, लेकिन काम का वो है जो हम एग्जाम में याद रहे, एग्जाम में रिवाइज कर पाए, ठीक है। इसलिए हम समझा समझने पॉइंट ऑफ व्यू से जहां ट्रिक होती है वहां बता भी रहे हैं, याद भी करता जा रहा है साथ साथ में। और हम शुरू में एमपी को 0 से लेके 100 तक लेके जाएंगे, अभी थोड़ा इजी सी लग रहा है, लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा कोई भी पीजीटी के एग्जाम के लिए, मतलब सारे एमपी एक साइड और ये वाले जनरल इंट्रोडक्शन में जो कुछ कर रहे थे हम पूरा मतलब इसका निचोड़ पड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो में इतना काफी। अगले वीडियो में देखेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन सा शहर, इसका पुराना नाम क्या था, किस जनपद का हिस्सा था, किसने इसकी स्थापना करी है, ठीक है, किसके लिए फेमस है, ये सारी चीजें यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, एमपी के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, अलग अलग जगह से है वो, लेकिन वो क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आज के वीडियो में इतना है, थैंक्स टू ऑल।